ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो डील्स आपने इस कंपनी के फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए किए। दिस इज माई बिजनेस। हेलो हेलो जी सरकार, आज हमारी याद कैसे आ गई? तुमसे एक जरूरी काम है। वो तो मैं जानता हूँ, मुख्तार को बगैर जरूरत से कोई नहीं याद करता। ठीक समझे हो तुम मुख्तार, आज तुम्हारी जरूरत पड़ गई मुझे। बताइए जनाब, क्या खिदमत करनी है? किसी को ठिकाने लगाना है। इसको ठिकाने लगाना है, बताएं। मैं अभी तस्वीर और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें भेजता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। दानियाल तुम कब आए? बस अभी आया हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो आपको देखा तो मिलने आ गया। कैसा रहा ऑफिस में तुम्हारा दिन? आपको आइडिया नहीं है बाबा, आपकी गैर मौजूदगी का कितना फायदा उठाया गया। और शाहनवाज भाई, इसीलिए बेटा मैं तुम्हें ऑफिस भेजना चाह रहा था। शुक्र है तुम मान गए। तो उसका मतलब है कि आप सब कुछ जानते थे? कभी कभी जानकर भी अनजान बनना पड़ता है। खैर तुम छोड़ो ये बातें, ये बताओ कि तुम आज जल्दी कैसे आ गए? बाबा मैं सोच रहा हूँ कि कल मरी चला जाऊँ, वहाँ पर फैक्ट्री भी विजिट कर लूँगा और रिजॉर्ट पे भी चक्कर लगा लूँगा। तो बस ठीक है, दुआ भी तुम्हारे साथ जाएगी। भाई कौन कहाँ जा रहा है? दानियाल तुम कब आए? बस थोड़ी देर पहले आया मामा। मुझसे मिले भी नहीं? मैं बस आ रहा था आपके पास। तुम कहीं जा रहे हो क्या? मामा वो मैं मरी जा रहा हूँ, वो फैक्ट्री की मशीनरी जो है ना वो चेंज हो रही है, तो मैंने कहा मैं वहाँ चक्कर लगा रहा हूँ। ओह हाँ, लेकिन तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? शाहनवाज को भेज दो। इस्मत बेगम, हमने आपसे कोई मशवरा नहीं मांगा, जाएगा तो दानियाल ही, और मैं ये चाह रहा हूं कि शादी के बाद ये दोनों कहीं बाहर नहीं गए, इसलिए दुआ भी इसके साथ चली जाए। लुबना तुम क्यों समझ नहीं रही हो? मैं दानियाल को कैसे मना कर सकती हूँ? वो अपने बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है, उसे क्या कहूँ कि वो अपना बिजनेस ना संभाले क्योंकि उसकी सारी की सारी दौलत हमारी। बेटा वो जाएगा तो शाहनवाज को भी कुछ टाइम मिलेगा ना। अब ये बात तो साबित हो चुकी है कि शाहनवाज के बहुत सारे फ्रॉड्स पकड़े गए हैं। तुम्हें पता है अब हमें कोई ऐसी राह निकालनी होगी कि जिसमें दानियाल का भी काम तमाम हो जाए और सब कुछ हमारा हो जाए। समझ रही हो? तुम कुछ कहना चाहती हो? नहीं, आप कहें, क्या कह रहे? नहीं तुम कहो, हालांकि मुझे आइडिया है कि तुम क्या कहना चाहती हो। आप जानते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ? यही कि तुम मरी नहीं जाना चाहती, यहीं रहना चाहती हो और असल से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, वगैरह वगैरह। कुछ हद तक आपकी बात ठीक तो है, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहना चाहती। तो फिर दानियाल आप मरी ना जाइए। क्यों ना जाऊं मरी में? दानियाल आप मेरी बात को पता नहीं क्या समझेंगे, गलत लेंगे, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके जाने से यहाँ बहुत लोग हैं जो खुश होने वाले हैं। कौन लोग? किसकी बात कर रही हो तुम? कैसे बताऊं आपको दानियाल? बस कर दो दुआ, ये बातों को घुमा फिरा के करना कब छोड़ोगी तुम?
तुम इस घर में आई और तुम मेरे ही घर वालों के अगेंस्ट मुझे कर रही हो। चुप कर। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान मेहरुन्निसा के नाम की पर्ची बना। उमर जी 19 साल। दुआ इस हद तक गिर सकती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे मामा के खिलाफ भड़का रही है। और मेहरू क्या उसे मुझ पे शक है? उसने मेहरू के मतलब मुझसे झूठ क्यों बोला? बैठो बैठो। जी डॉक्टर साहब मुबारक हो आपको। किस बात की? आपकी बेटी माँ बनने वाली है। क्या बोल? बताओ मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तेरे बाबा का शक ठीक था ना? असद का बच्चा है ये। बोल बोल। नसरीन अब इसे इस तरह मारने से क्या फायदा होगा? तो क्या करूं? क्या करूं? अपनी किस्मत पे रो बेटी। पैदा होते इस कलबुई का गला दबा दिया होता तो अच्छा था। हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, दबा जा यहाँ से, छोड़ दे। हाजी साहब माफ करें, हाजी साहब माफ करें, माफ करें। नहीं लेकर आती। हाजी साहब, हाजी साहब माफ करें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पानी लेके आ। अब्बा 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 होश करे ना। अब्बा 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 उठे। अब्बा अब्बा आप ठीक तो है ना? सलाम अलैकुम। तानिया ये सब तानिया लाया। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों से मिलता चलूँ। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। अंकल की तबीयत ठीक है? हाँ बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, अब ठीक है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे दुआ अभी मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी। माशाल्लाह बड़ी लंबी उम्र है तेरी बेटा। दानियाल से मैंने पूछा भी था कि तुझे वो साथ क्यों नहीं लेके आया। कौन अम्मा, किसकी बात कर रही हैं? बेटा मैं दानियाल की बात कर रही हूँ और किसकी? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। दानियाल से कब मुलाकात हुई आपकी? हद हो गई भाई, मैंने कौन सा घर से बाहर कहीं जाना है? वो घर पे आया है तभी तो उससे पूछ रही थी मैं। दानियाल वहाँ है? हाँ तुझे नहीं पता वो यहाँ आया? नहीं। दुआ को पता है कि आप यहाँ पर आए? नहीं। मेरा मतलब है कि आप दुआ के घर वालों से मिलने आ रहे हैं और उसे ही नहीं पता। मेहरू देख बात बताओ, तुम बार बार मुझे ये एहसास क्यों दिलाना चाहती हो कि मैं जो भी कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? देखिए दानियाल साहब मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज़ मेरी परेशानियों में मज़ीद इजाफा मत करें। मुझे बताओ हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानी का कोई हल निकाल सकूँ? ये मेरी परेशानी है, मैं इसको खुद ही हल कर लूँगी। ठीक है मैं तुम्हारी परेशानियों में इजाफा नहीं करता, लेकिन क्या तुम मेरी एक उलझन हल कर सकती? कहिए। क्या तुम्हें वाकई असद ने अगवा किया? आपको कैसे पता? इसका मतलब है कि मेरा शक सही था। देखिए दानियाल आप प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, आपकी वजह से मेरी बहन मुझसे अब तक नाराज है, उसने मेरे से एक बार भी नहीं पूछा। लेकिन मुझे तो दुआ ने ये कहा है कि उसे मुझे तुमसे कोई मसला नहीं। तो यही तो उसकी बात है, वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। खैर आप बैठिए मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। लाइए मैं कर देती हूँ। नहीं बहुत शुक्रिया, हो गई है पैकिंग मेरी। नहीं करनी पैकिंग तो जाके बाबू से कह दो।
मरी नहीं जाना चाहती, सुबह मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। दानियल, मैं तो चाहती हूँ कि आप भी मरी ना जाइए। क्यों ना जाऊँ? तुम्हारे एक ये पॉइंटलेस स्टुपिड से वहम की वजह से मैं अपने इतना इम्पोर्टेंट काम मिस कर दूँ, मैं ये नहीं कर सकता, सॉरी। दानियल, मैंने अपने कानों से सुना है, आंटी और लुबना एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अच्छा है दानियल जा रहा है ताकि शाहनवाज भाई को उनका हिस्सा मिल जाए। कैन यू स्टॉप इट? दानियल बेटा, अपना ख्याल रखना जी, और जाते ही मुझे कॉल कर देना, अपनी खैरियत की इत्तला जरूर देना। जी जी। दुआ बेटा, बेटा अपना और दानियल का बहुत ख्याल रखना। बस बेटा मैं ये चाहता हूँ कि जब तुम दोनों इस सफर से वापस आओ तो तुम दोनों के चेहरे पे वो मोहब्बत और खुशी हो जो मैं देखना चाहता हूँ। और एक बात याद रखना दुआ, दानियल का साथ कभी मत छोड़ना। ओके बाबा। मैं नहीं, हम कहो, तुम दोनों साथ साथ हो और अब दुआ तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा, इसका बहुत ख्याल रखना। बस भी कर दें साहिब, इतनी देर हो रही है, जाने भी दें। अच्छा 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 अच्छा। तानिया, आप प्लीज मुझे यहीं छोड़ दीजिए। क्या मतलब? मुझे नहीं जाना आपके साथ। हाँ। यानी आप चाहती हैं कि मुझे बाबा से डांट पड़े कि मैंने आपको रास्ते में उतार दिया। अगर आप मेरे साथ नहीं आना चाहती थी तो आप उन्हें खुद कह देती। मैं बाबा से बात कर लूंगी, आप बस मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मुझे नहीं जाना। देखिए मेरी बात सुने, मुझे भी आपके साथ जाने का कोई खास शौक नहीं है, मैं अपने बाबा की वजह से मजबूर हूँ क्योंकि मुझे हर हाल में उनका हुक्म मानना है। जाहिद, आप कोई काम था तुम? नहीं। तो फिर? तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। शुक्रिया? किस बात का? मैंने तुम्हें गलत समझा इस्मत बेगम, तुम दानियल का बुरा नहीं चाहती। शुक्र, आपको यकीन तो आया कि मैं दानियल का बुरा नहीं चाहती। जानती हो इस्मत बेगम, मोहब्बत क्या है? हर उस बात को नजरअंदाज कर देना जिससे ताल्लुक टूट जाने का अंदेशा हो। शायद आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं दानियल की जिंदगी को मोहब्बतों से भर दूंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, जब वो दोनों वापस लौटे तो उनके दिल एक दूसरे की मोहब्बत से सरशार हो। परेशान मत हो, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आसिफ, मुझे मेरे कमरे में छोड़ आओ। दानियल बाबा आ गए, माशाल्लाह, दानियल बाबा आ गए, बिस्मिल्लाह करा, दानियल बाबा आ गए, बिस्मिल्लाह करा। सामुल चाचा, सलाम अलैकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे आप? शुक्र अल्लाह का, शुक्र है शरीयत अल्लाह ने। ये कौन है? बीवी है मेरी, समझ। ओ मुबारक, मुबारक, वो ब्याह करी छोड़े मी बुलाए नहीं ने। अच्छा मुबारक होवे, ते बुलाओ ने लकी। आप खुद बुला ले, मैं थक गया, आराम करने जा रहा हूँ, सामान भी निकाल। सामान मैं कर लेना जी। ओ बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। ओ आजा आजा पुत्र, आजा। अस्सलाम वालेकुम। जी नमस्ते दा पुत्र, बहुत चंगा कीता। चाचा जी सामान ले आए है। सामान भी ले आने आ, मैं इस दानियल ना सावल चाचा 40 साल हो गए इसकी खिदमत करते, जिन्होंने ने काके खिदमत करते। अच्छा ये बताओ कि इतनी इमरजेंसी में तुमने यहाँ बुलाया, क्या खास बात थी? मुझे आपको एक खबर देनी थी।
शाहनवाज, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। What? Really? Oh my God! ये तो बहुत बड़ी खबर है। शाहनवाज, मैं तो इतनी खौफजदा थी, पता नहीं आप मुझे कैसा रिएक्शन देंगे। दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छी खबर ये है। My God! आप कहीं जा रहे हैं? काम है मुझे। मैं आपके बगैर क्या करूंगी? मेरा मतलब है, यहाँ तो मैं किसी को जानती तक नहीं हूँ। इसलिए मैंने बाबा को कहा था कि तुम्हें मेरे साथ ना भेजें। जाहिर है मुझे तो काम पे जाना पड़ेगा, मैं हर जगह तुम्हें साथ लेके तो जा नहीं सकता। बहरहाल सावन चाचा हैं, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मेरा इंतज़ार ना करना, मुझे देर हो जाएगी। मैरू, कहाँ गई थी? वो मैं अम्मा, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। खामोश क्यों है? क्या अभी हमारे मुंह पे कुछ और कालक थोपनी बाकी रह गई है? बोल, कहाँ गई थी? वो अम्मा, मैं डॉक्टर के पास गई थी। क्या? अरे लुबना, आज तुम जल्दी नहीं आ गई? आज तो तुम्हें अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच पे जाना था। क्या हुआ लुबना? शाहनवाज से मिली थी मैं। उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से इतना मूड ऑफ है तुम्हारा? किसी के साथ थे वो। किसके साथ? किसी लड़की के साथ थे। कौन थे वो? नहीं, मैंने उनका पीछा किया था। तो तुमने पूछा नहीं उससे पहले? फिर क्या, हमेशा की तरह उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। ये तो हो सकता है तुम्हें ही गलत फहमी हुई हो। आप भी मुझे ही गलत समझ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए, मैंने खुद शाहनवाज को उस लड़की के साथ देखा है। तो हंस हंस के बातें कर रहे थे। शाहनवाज किसके साथ था? क्या लुबना जो सोच रही है वो सही है? नहीं नहीं, लुबना को जरूर गलत फहमी हुई होगी। लेकिन वो इतनी वसूख से कैसे कह सकती? कुछ तो है जिसको जानना मेरे लिए जरूरी है। इस्मत, साहिद, आप यहां? कोई काम है तो प्लीज किसी नौकर को कह दे, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब। क्यों, क्या हुआ? मैं बताना जरूरी नहीं समझता। अच्छा ठीक है, वो मैं तो सिर्फ ये बताने आया था कि मेरी दानियाल से बात हुई है, वो और दुआ खैर खैरियत से मरी पहुंच गए हैं। बस यही बताना था? हाँ, खैर बताओ क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अपनी मदद तो आप कर नहीं सकते, मेरी क्या मदद करेंगे? मेरा भी दिमाग खराब है, इससे अच्छाई करने चला हूं मैं। एक बात मत भूलना इस्मत बेगम, वो वक्त भी था जब तुम मेरा नाम पाने के लिए मिन्नतें तक कर रही थी। अरे उस वक्त तुम्हारी ये हलाक कहां गई थी? साहिद प्लीज, मुझे अकेला छोड़। फिक्र ना करो, बहुत जल्द तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी, बहुत जल्द।